I was asked by him to write choose a topic, and he gave me a theme regarding the socio-economic political awakening. Then I decided to choose, I chose myself that yes, I have to be restricted to that theme only. And I talk about awakening. So thank you very much for this, giving an opportunity here. I'll start with my दो तीन लाइन से स्टार्ट करूंगा। किशोर यूं ही जंगल में पंछियों ने मचाया होगा, किशोर यूं ही पंछियों ने जंगल में मचाया होगा, कोई ना कोई तो शहर से आया होगा। उसके अलावा ये उधार की पंक्तियां हैं, उसके बाद जो मैंने लिखी हैं उसको पढ़ाना चाहता हूं। कतराए खून मूल निवासी का यूं ही न बहा होगा, कतराए खून मूल निवासी का यूं ही न बहा होगा, किसी ने उसके पीठ पे खंजर जरूर भोंका होगा। मेरी अंतिम पंक्ति मैं इसमें सुनाना चाह रहा हूं कि शेर ने कि गीदड़ ने शेर को यूं ही न मारा होगा, कि गीदड़ ने शेर को यूं ही ना मारा होगा, कोई ना कोई शेर विभीषण बना होगा। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं टाइम का ध्यान रखूंगा और एक मनोवैज्ञानिक हूं, डीआरडीओ में करीब 29 साल हो गया और साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोजिशन में पोर्टफोलियो में काम किया है। 1989 से मैंने स्टार्ट किया यूनिसेफ से, उसके बाद में आई वाज स्कूल काउंसलर इन दिल्ली, देन आई जॉइन डीआरडीओ। इन डीआरडीओ आई बी इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर एज ए सीनियर साइकोलॉजिस्ट, जहां पे आपके एनडीए आईएमए दूसरी एंटिटीज के ऊपर सिलेक्शन होते हैं ऑफिसर्स के। I was in Air Force and Army both. For 9 years I was there. Then I was chief consultant psychologist for Indian Air Force. And thereafter I was called back to DRDO to look after the stress and suicide of the armed forces. So I started from 2006 to 2010 and looked after the stress and suicide factor for 15 lakh people. That was my actually the base for coming down to the Bahujans. When I decided, when I thought, I was awarded also for this by the Raksha Mantri, and when I thought, when I can do something for 15 lakh people, I can do something for our own people. That was my baseline. और उसी से ही मैंने अवेकनिंग पर मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन दो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी रिक्वेस्ट अपील है आप सभी से। एक तो हिंदुस्तान का वर्ड यूज ना करें, हिंदुस्तान और मनुस्मृति का दोनों बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक पुराना सा संबंध रहा है। मनुस्मृति का और ब्राह्मणिज्म का जो हम बात कर रहे हैं उसका हिंदुस्तानी का बहुत रहा है, तो हम भारतवासी हैं और हम भारतवासी का ही हम इस्तेमाल करें। दूसरा, बाबा साहब ने तीन कमांडेंट्स दिए, वर्ड दिए हैं, शिक्षित बनो, आगे नहीं नहीं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। 1941 में नागपुर में उन्होंने ये बोला था, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। और हम यूज कर रहे हैं क्या, उल्टा यूज कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मिशन तो फेल हो रहा है। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा मैसेज है बाबा साहब का, ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो उसके ऊपर हमारी अवेकनिंग जरूरी है कि एजुकेशन क्या बिल्डअप करता है। एजुकेशन नॉट ओनली द बुक्स और नॉट ओनली गेटिंग द सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा डिग्रीज, इट इज अबाउट इनकल्केटिंग द अवेयरनेस कॉन्शियसनेस अवेकनिंग इन आवर लाइफ वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, दैट इज द अवेकनिंग। Socially where we are, politically where we are, economically where we are, ideologically where we are, religiously where we are. So
we need to understand his ideology, his commandment as we get. Then coming to agitate. When you know your standing, you know your needs, your goals, what, where you want to go, agitate yourself, drive yourself, put forth your all the efforts, your that planning ways and paths, and finally organize your capabilities, organize your agitated mind, organize your goals, organize your needs, and then organizing your capabilities as well as organizing of the people around. That's what the three commandments that Bhagavad Gita is given, that is mentioned in the doctor, then anyway, I'll just read out for you. Nothing. I don't know. It is, awakening is about expansion of our thinking, feeling and action. Means there are three parts of behavior, feeling, thinking and action, that is actually form the personality. हम क्यों सोचते हैं कि हमारा opponent कौन है, atrocities क्यों हो रही हैं, उसको करने वाला कौन है, लेकिन कभी सोचा उसके sources कौन है, उसकी mentality क्या है? Why he doing so? Because he is not going to attain anything out of it. Baba sahab ki murti todne se, kisi ki murti nuksan pahunchane se, usko kuch nahi mil raha. But why he doing so? That is because at unconscious level he has been conditioned his mind according to one perspective. Now coming to mera ye tha isme kuch challenges bhi ho, questions bhi ho aur samadhan bhi ho, to usi ke bare mein मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था इसमें कि awakening क्या है, उसके बारे में सोचा कि क्या हो सकता है. इट्स अबाउट नोइंग सेल्फ एंड अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग एंड इनफॉर्म अबाउट द ऑल टाइम एट ऑल सिचुएशंस एंड ऑल ओकेजंस. अबाउट फिलोसफी, आपने कभी सोचा है कि हमारा जो फिलोसफी जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र की ओर आता हूँ. जब मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा तो दर्शन शास्त्र में हमने देखा कि वेस्टर्न फिलोसफी के चार प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल है, मैं आपको मनस्पति का तोड़ बता रहा हूं उसके अंदर. पहला प्रिंसिपल है कि लाइफ शुड बी गवर्न बाय द विजडम. That is the first principle of the third world philosophy. Second principle is that they thought that wisdom is not only enough, we need to have some more things, more reflecting, more facts. So they said life should be governed with facts. By the time these mythological powers, they took place, and at that time they said no, it should be explanation of statements. When explanation statement comes, it is about by these sadhus, sons, by these manus, by these Shankaracharyas, they have written all these things and we have been following this path. That is the third principle of philosophy. But for the Western world, they didn't stop there. They rejected that idea of that path. That time finally they came down to the fourth principle and final, it is wisdom and facts. अभी इसके लिए कुछ है समाधान है. जैसे एक मेरा एक और इसमें मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति जिस मानसिकता के साथ लिखी गई है उसको समझते हैं. किस मानसिक क्षमता के साथ लिखी गई है और उसको लागू किया गया है, इसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आप मानसिक की कोटेशन पढ़ेंगे तो the level of that level of intelligence question has been framed, it cannot solve from the same level of intelligence. अगर मनुस्मृति का दौर ढूंढना है तो उसकी मानसिक क्षमता से ऊपर करके ही आपको काम करना पड़ेगा. ये बहुत कम लोगों ने काम किया. इसी सिलसिले में मैं एक और बताना चाह रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ उसको, बहुत सारी बातें हैं रिसर्च में, काफी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस जाता रहता हूँ. उसके साथ साथ में एक ये मेरा प्रपोजल है, अभी मेरे चल रहा है. मैंने दो तीन साल में देखा है कि हमारे स्टूडेंट स्कॉलर्स हैं
पर्टिकुलरली उनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे एकेडमिक अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, और उनके लिए उनके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं क्रेडिशन एक्रेडिशन वगैरह नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि नहीं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एकेडमिक प्लेटफॉर्म बना करके वेयर ऑल द इंस्टीट्यूट प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एकेडमिक स्कॉलर्स स्टूडेंट्स विल जॉइन अस एंड विल फॉर्म पार्ट दैट विल मेक ए ग्रैंड थिंक नेशनल थिंक टैंक। थैंक यू वेरी मच।